मेरी बुलेट को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं और आज मैंने पहली बार जो चेन कवर होता है उसको मैंने खोल के निकाला है। अब देख सकते हैं इसमें इतनी डस्ट भर गई है, 2 साल के जो डस्ट हैं किस प्रकार डस्ट इसमें जमा हुआ है। बहुत ही बुरी हालत है इसकी। सर्विस सेंटर में जब मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ तो वो मैकेनिक भी इसको खोल के कभी साफ़ नहीं कर सकता और ये काफ़ी कचरा जम गया है। आप देख सकते हैं इसकी हालत बहुत ही बेकार हो गई है। तो इसको मैं आज क्लीन करूँगा। देखते हैं, इसको क्लीन करने के लिए मैं WD-40 और पेट्रोल का इस्तेमाल करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको WD-40 पेट्रोल से क्लीन कर लिया है और आप इसकी हालत देख सकते हैं अब कैसे साइन मार रहा है। इसमें बहुत सारा कचरा निकला, पूरा डस्ट आप नीचे देख सकते हैं कैसे फैला हुआ है। WD-40 बहुत ही मददगार लिक्विड है कोई भी डस्ट को साफ करने के लिए। और चलो इसको मैं फटाफट से लगा लेता हूँ। इसके तीनों बोल्ट को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और अब बारी है इसको फिट करने की। इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे और ये कुछ इस तरह इसके कट होते हैं, उस कट में कुछ इस तरह से ये सेट बैठेगा। शायद इसको मैं उल्टा लगा रहा हूँ, इस कट को इसमें मिलाना है और फिर इसको अच्छे से सेट कर देना है। इसमें 3 LNK के बोल्ट लगे होते हैं, 1 बोल्ट ऊपर लगता है और 2 बोल्ट नीचे लगते हैं। फर्स्ट में इसको पूरी तरह से टाइट नहीं करना है, थोड़ा लूज ही रखना है ऊपर के बोल्ट को, फिर नीचे के दोनों बोल्ट को लगा के। चलो मैं फटाफट से इसको फिट कर लेता हूँ, फिर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। फाइनल इसको मैंने अच्छे से लगा दिया है और एक बार फाइनल LNK से अच्छी तरह से तीनों को टाइट कर देंगे ताकि इन फ्यूचर कभी ये लूज ना हो पाए। कंफर्म कर लेना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो चुका है।